डांट छूट गई, जगह छोड़ लई, जगह छोड़ी जा गई। देखो हमारी महीना होगी तपस्या। घर बन बस हुआ बना किया जाने है, लेकिन एक भी जल करो पर ये रहो देखो। पानी की ऐसी बूंदे आ रही की देखो, दो भैंसे हमारी पानी वैसा में है। देखो इतना पानी बहस रहा, ज्यादा नहीं बहस रहा लेकिन बहस रहा थोड़ा ही थोड़ा, लेकिन पानी बहस रहा। अब बताओ कैसे जाए ऐसे में हम अपनी डलिया पूजे नदी पे। मम्मी तो शुद्ध देहाती कर रही काम, सही कर रही है, अच्छा हो। देखो पते का सब्जी बनाया बुलाती आज तूने है, पूरे रिश्तेदार आए घर के, सब जने आए अपने, सब जने को खाना खवा दो, उनके जल्दी जल्दी हो जाए फिर अपन नदी पे भी चले। लेकिन आज पानी बहस रहा तो मुश्किल लग रही है। नदी पे तो जाए नहीं है, नदी पे तो चल ले हैं, तो सब कुछ ना तो घर मिटा लीजिए। घर कैसे मुझे अच्छा होता ही तो हो ना, एक घर मिटा दीजिए। राधे राधे कहो गा तिल्लू तुम्हें रिपट गए तुम, लग गई ज्यादा। देखो हाथन में लग गई, पिछाई दिखा दो अपनी, पिछाई दिखा दो भड़के ते गए। देखो जे भड़का पूनम ने धोआ दा पूरे बिचारो बेचारो, अब मैं मम्मी ने रो रहे डारो पानी में बस गीलो होगा सिर पटगा बेचारो। बहन जी की रूटी लग गई के आंगन में से पानी झाड़ के हटाओ, जैसे जो आंगन में तनक तनक खेलगा तो ये पूरे हार को पानी साफ करें। देखो गाइस जे आ गए थे दोना, ये दोना है जे पत्तन के बनाए जाते ही, छिलिया के पत्ता हो जो छिलिया के पत्तन के बना। आज पुणे को हम उनके ते पूजा होते ही, इन पत्तन में भगवान को प्रसाद लगाओ जाते ही। जे पत्ता हमारे एक दिन दे गए, अब शाम के पूजा हो जे सुबह में जे नहीं में प्रसाद लगो जे घर की पूजा में, उतना नदी पे पूजा में नहीं जा जी, जी घर की पूजा में लगते। कितो अच्छो मौसम लग रहा आज को, अबे पानी बहस रहा तो अबे बढ़िया, कितनी बढ़िया सूरज भगवान चमक रहे, इतनी तेज धूप खिली के देखो। पूनम बहन जी खटिया डाल के जी सो गई थे, बहुत अच्छो लग रहा। अब सवेरे से थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई और अब बढ़िया खूब धूप खिल गई, कहे कि हम उनकी जी में डलिया अच्छे से पहुंचे। सूरज भगवान तुमने अच्छी कृपा करी। इतने भावना दीदी क्या कर रही तुम दीदी, काय खिलाने रोटी बनावे हाँ। वो तो मड़ो रखो वो मैदा है, वो मैदा काय खो गुजिया बना, गुजिया भी बनने यार। चलो सही है तो फिर। देखो गाइस हमने सब्जी बना ली, लेकिन जब थोड़ी सी सब्जी निकाल दी मैं के सब जनन के लाने हो जाए, और बिलात की सब्जी बनी रखी अंदर का। गाइस अबे वही 12:01 को टाइम होगा, लेकिन अबे भी पानी नहीं मिलो हमें पीवे के लाने, तो अब थोड़ी थोड़ी प्यास लग रही। अब बस पूरे 24 घंटा हो गए बाए हैं, 23 घंटा होगा, एक घंटा रहेगा, 2 बजे हम नहा के और दोबारा से नहाने पूजा होते करे, लेकिन दोबारा से नहा के फिर पानी पिए, फलाहार करें, फिर डलिया लेके नदी पे, जब तक सब जने आए भी जाते ही हो। देखो अब हमारे नदी पे जाने लगे, कहो सब जने ने कहा गए तो अम्मा हो ही लग रहा हो, तो बिना माहौल के कैसे जाए, तो तुम जल्दी कर लेती। देखो जी मम्मी लगावे लगी दीदी को माहौल भाई सब, लेकिन हमने तो सबसे पहले लगा लो, तो आज हमने नहीं लगा, तुमने कहा नहीं लगा, तैयार हुआ। देखो जी पूनम बहन जी पूजा की थाली लाए, पीछे भावना दीदी है, मम्मी मम्मी देखो दो जने एक सी लगे ब्लैक पेंट और हुडी, दो जने एक सी हम पहन साड़ी, हमें खुद पहनने थी भाई अब। लेकिन चाची और सब जने सीधे ना कर रही, हम हुए थे हुके सीधे, हमारे तरह से सीधे डायरेक्ट रोड पे पहुंच रही, सोई तरह सीधे जाए गांव में खचल ले मचे, तो हमके काय को खचल लन में हुके जाए। गाइस मौसम देखो कैसा हो रहा, सुबह रहे भाई धूप निकल आई थी खूब अच्छी तेज के, और अब फिर से पानी बहस रहा हो, ऐसा हो रहा खुल्ला बहस रहा खुल्ला बहस रहा, सो अब क्या कर सीधे चले जाए अब तो आराम से। आज नदी पे इतनी भयंकर भीगड़ रहा ना, इतनी भयंकर, देखो जो चले आ रही पिछाई एक दो जने अपने अपने संग संग सब जने चले आए, आज बहुत भीगड़ रहा है नदी पे, बहुत सबके रिश्तेदार घर के सब खोने जो चले जाए, ऐसे ऐसे बहुत आदमी ने कर रहे। दादी हमारी चाची आ गई थे, तुम आओ का होने दे, तुम का खुआई तो मैं कौन का तक माते का ना आई थी, देखो गाइस तो आज आखिरी आई थी, आज की बात इतने आई थी ना बच्चे, आज की बात ना इतने ठाकुर जी दी थी।
मैगी को आए थे। केवल आखिरी पूजा हो रही, बस अब आज के बाद पूजा ही नहीं होना। फिर तो गाइस एक बात बनना है, देखो जा मेरी रूही ने डब्लू बनाई थी, उन्हें पानी पीवे के लाने डब्लू बनाई थी, चम्मच जा कहाँ बनाई थी नहीं जमट किया है जैसे धाम है। अच्छा मुझे पता नहीं आया माहौल लगे थे। ठाकुर जी की केवल आज की पूजा रह गई, अकेली से देखो सब सखियां लगी पूजा गए वे, आज के बाद उन्हें मिलने भी नहीं आ। पोथी सुनावे के लाने आ गया बेटे, पोथी उठे आज की पूजा में, देखो जी बैठे महा जी, अब सब जने यहाँ से सुने। पोथी शुरू हो गई आज, इतने आखिरी पोथी है, पोथी भी आखिरी है, मतलब कथा सुना रहे थे पंडित जी साहब, ये ठाकुर जी है, ठाकुर जी सुने रह गए। तो घर बात बस हुआ बना किया जाने है, लेकिन एक विजन करो पड़ेगा, देखो इनको काम सक्सेसफुल हो चुका है, वो बन गाओ ठीक है, देखो जो बन गाओ तो ढक्का दे के देखो, जैसे हवा मामा चले गाओ भाई साहब, चलो जे तो है ये तो ऊ में बैठे अपन हो अगर दबका जे तो आवे तो देख लो। गाइस पूजा उजा तो सब की हो गई, देखो अब घर तो खाना वाना खूबन लगो हमें, लेकिन घर में ट्रे देखो हम भावना बनाए तो देखो बहुत दिखाओ थोड़ो सो तभी घर बनाया हो, फिर भैया उन्हें सब मैंने बना ले तब ऐसे हमें तो, लेकिन बना दे रही सो हम क्या बना लो। मिट गए भाई साहब ने गए जी तो इनकी इतनी सारी जो है गई घटती, अब हमारी रूबी दीदी को घर मिट में जाओ, देखो जो बन गाओ सब जने बैठ गए मिटा के लिए, मिटाओ अब मिटाओ लगा ढक्का, आओ मिटाओ मिटाओ सब जने मिटाओ, आओ ऊपर धा दो ऊपर, आओ ए पिता दो लगा ढक्का इकट्ठे होके लगा ढक्का, ले मिटाओ लो मिटाओ सब कर रहे हैं। हमारी गांठ छूट गई, जगह छोड़ ली, जगह छोड़ी जा रही, देखो हमारी महीना आवे की तपस्या में कितनी अच्छी गांठ करी, अगर को जैसे सुनो अगर को जैसे पाप कहे जैसे खाना पीना खा ले दुख के अगर छू तो उनके लिए जवा है नहीं, जवाब को आ जाओगे हमारे इसके, देखो बिल्कुल साफ करी जवा, साफ जवा निकली और बहुत अच्छे से हमारी तो सबसे मांगवा अच्छी हो कहीं सफर पूरे महीना आए तो बहुत अच्छा फल दो। गाय छुटवे के बाद सब जना को खाना हो रहा, देखो भाई सब भी खाए, इधर दीपा को पीयूष खाए दो ये नहीं, इधर प्रिंस भाई अठारे लग लो पंगत में, बता बेन तुम्हारी देख लें, देखो सबकी गांठें अच्छी करें, दिखा तुम अपनी दिखा दो,
सुवानी तुम देखो सबकी गांठ है अच्छी कढ़ाई, सबने अच्छी मेहनत करी, देखो सबकी गांठ है टॉप टॉप की निकल रही। तुम्हारी गांठ में दीदी का नहीं मम्मी की? अच्छा मम्मी की, सबकी गांठ है अच्छी कर रही, सबने अच्छी तपस्या करी। क्या होगा हमें कोई पूछ नहीं ना, ना तो मैं नहीं पूछा आज, आज भंजन को पूछा तुम तो घर खाचो हो नहीं मिल रही तुम्हें नहीं खाए जे लाजी दाने ले ले हाथ में चना है ऐसे सबके ऊपर लुटा है। देखो ऐसे देखो देख लो अब मैंने इनकी गांठ देख लाए सबकी अच्छी करी जी। हमारे ठाकुर जी बने आज से इनके, अब हमें आना नहीं है सब सुबह रहे हैं के लिए, कल बुड़की लेके चले जाए, गांठें छूट गई महीना भाई की, इनकी हमने पूजा कर ली। अब भाई जी अकेले रहते हैं, अब तीज के दिन हमारे आए सोए तैसे वो जो हमने खेती बही थी वो अपनी काट ले जाए और इन्हें नदी में विसर्जित करके बस फिर नहीं आना है। गाइस जाए हमारी नदी इत याते रोज नहावे लेकिन अब नहीं आने, बड़ो बुरा लगने थे के बिल्कुल इत सब सखियां आती थे वो करवे के लाने वो पूजा पाठ करी तई सवेरे सवेरे से, अब ना आने ना पूजा पाठ करने थे। ठाकुर जी को बड़ो बुरा लगने, एक महीना तक के सब सखियां बड़े अच्छे मन से भगत चली आती सीधी, कछु भी सोचे ना कछु, सब काम वाम छोड़ के ठाकुर जी के लाने। गाइस एक महीना हाथों से होगा, अब हम उनको पूजा करवे थे नहीं आने ना नदी पे आने हैं गो, बस अकेले कल मोन परमा की बुड़की लेके बस फिर फ्री हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं करने है, तो पूजा उजा के लाने अब नहीं आने थे। बहुत बुरा लग रहा है कि सवेरे सवेरे से हमारे बिना उके भगत चले आते, पूजा पाठ करवे के लाने सब सखियाँ इकट्ठी मिलती, अब ना सखियन को मिल लें ना को मिल लें, कहा पता की है कहते जाने सब सखियन को अपने सासरे चली जाने, सकेरा की सकेरा बनी रहने अगली तीन साल में, फिर माने कार्तिक तो फिर कार्तिक तीन साल को ठिकाना नहीं है किए अनाने किए नहीं अनाने के कहा है गो, अब क्या करें ठीक है लेकिन वो महीना हो थे सो करे ही नहीं आते। जे देखो टाठी बैठन टांगे फिर रही खा खा के, जे देखो पूनम बहन जी सबसे बाद में खा रही, कहा बहन तुम सबसे बाद में का खा रही हैं, सबसे बाद में का खा रही, अच्छा मुंह भरो तुम आए बाद में बोलो, देखो जे लगी तो खावे के लाने खूब। मम्मी चाची प्रियंका चाची पूनम और रूबी की मम्मी हमारी चाची हैं जो दो जने और मम्मी सब एक ही टाठी में, देखो एक ही टाठी में खावे लगी नदी पे खाओ जाओगे थे तो तीन जने एक इकट्ठी खा रही। सब जनान की गांठें छूट गई, सब कछु घर में टका सब है, सब जने अपने अपनी डलिया ले लेके और बस चले जाए हमारे जी वहाँ खाना खा के और बस फिर सब जने घर जाए। देखो इतनी धुतियाँ कभी कहाँ ले जाए ये साड़ी, ये साड़ी पूरी हमारे यहाँ है बाजार में बेच बे, कैसे ले लो ये हमारे यहाँ हम कैसे दे दे तुम्हें। अब सब जने देखो घरे जाए जे अपनी डलिया रहे, मम्मी उन्हें पीछे चली आए और सब जन को सब कछु होगा नदी को, अब घरे जाए। हमारी तिल्लू ने ये फूकना के पैसा घर नहीं मिटाया, हम तान तान के रह गए टेर टेर के रह गए लेकिन फूकना छोड़ा नहीं है इसलिए ना घर मिटाओ है। गई सब घरे आ गए और सब कुछ पूजा वूजा हो गई लेकिन हम उनको खाना आज नहीं मिले, हम उनको खाना मिले सुबह ने बुड़की लेके फिर उतनी नदी पे जाए सो फिर घरे आए बुड़की लेके सो तभी मिले खाना अभी तो। गाइस एक बात बता, हम तीन जनन में सबसे सुंदर को है गो, वैसे मेकअप वेकअप करें हम तो तनक वैसो लगे लेकिन जब मेकअप वेकअप नहीं करे जिन जैसे सिंपल है तो बताओ को सुंदर है, कमेंट करके जरूर 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 बता दो कहे जे करें मैं सुंदर लगती हूँ तीनों जनन में, जे बोल रहे मैं सुंदर लगती हूँ मैं नहीं लगती लेकिन मैं सुंदर तीनों जनन में। करते हैं इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म, आई होप गाइस आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आओ जो तो लाइक करो कमेंट करो, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।